हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने वॉइस को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग में से बहुत सारे लोग के पास ना प्रोफेशनल माइक नहीं होता है। तो प्रोफेशनल माइक ना होने के बावजूद भी हम लोग अपने फ़ोन से ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसे किस तरीके से बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर एकदम प्रोफेशनल आवाज़ किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑडियो लिया हुआ है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इसको आपको ऑडेसिटी के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, जब कभी भी आप कोई भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो ना, तो एक बात आपको याद रखना है कि आपको ये जो स्टार्टिंग के 3 से 4 सेकेंड्स होते हैं ना, इनको आपको ऐसे ही ब्लैंक रखना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको थोड़ा उसे वैसे ही रहने देना है, ताकि जो यहाँ का पोर्शन है ना, वो सारा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसे कलेक्ट कर ले, ठीक है। हो सके तो जितना कम बैकग्राउंड नॉइज़ में आप लोग रिकॉर्ड करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पर अगर आपके पास भी कोई इशू है कि आप ज़्यादा उसे नहीं ढक सकते या फिर ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ को नहीं कम कर सकते, तो थोड़ा सा आप जो आगे का पोर्शन है या फिर रिकॉर्डिंग ऑन करके 5-6 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना वॉइस ओवर दीजिए। अब सबसे पहले ऑडेसिटी के बाद आने के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसका बैकग्राउंड नॉइस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारा बैकग्राउंड नॉइस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड नॉइस का थोड़ा सा हल्का सा आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स के अंदर जाना है, नॉइज रिडक्शन। यहाँ पे पहले हम लोग प्रोफाइल को ले लेंगे, मैं यहाँ पे पूरी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से इफेक्ट्स के अंदर, नॉइज रिडक्शन के अंदर, अब ये जो यहाँ पर आप पूरा पोर्शन देख रहे हो ना, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी जो नॉर्मल सेटिंग्स है मैं वो ऐसे ही रखता हूँ, और दो बार मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो उससे क्या होता है कि जो मेरा जो वॉइस है उसके अंदर से जो नॉइज़ है वो बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो मैं वापस से एक बार इसे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने वॉइस में दो बार इसे रिड्यूस कर लेता हूँ। तो इसे एक बार सिलेक्ट, इफेक्ट्स, तो यहाँ पर मैंने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ करनी है, वो ये है आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद वापस से इफेक्ट में जाना है, और ये जो फिल्टर QR है इसके अंदर आपको सिलेक्ट, इसके अंदर भी कुछ आपको सेटिंग्स करनी है। उससे पहले ना मैं आपको मेरा पूरा जो वॉइस है उसे एक बार चला के दिखाता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, एंड दिस इज माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये कुछ मेरा इस तरीके से साउंड है। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, और यहां पर ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर कर्व क्यू, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही सबसे पहले आपको जाना है मैनेज के अंदर, मैनेज के अंदर जाके फैक्ट्री प्रीसेट्स, और यहाँ पे आपको बास बूस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स आप देख रहे हो इन्हें वैसे ही रहने देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे मेरे बास बूस्ट का काम हो गया है। उसके बाद वापस से इफेक्ट्स के अंदर जाना है, और फिर से वहीं जाना है, और मैनेज में जाके इस बार आपको जाना है ट्रेबल बूस्ट के अंदर, ठीक है। अब ट्रेबल बूस्ट के अंदर यहाँ पे आपको देखो ये पॉइंट एक दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ना आपको क्या करना है, जो 6 नंबर आपको दिख रहा है, 6 dB दिख रहा है, इस लाइन के नज़दीक लाना है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से हल्का सा इस लाइन के नज़दीक लाता हूँ, 6 तक नहीं लाना है, 6 के सिर्फ और सिर्फ नज़दीक लाना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से यहाँ पर लेके आया हूँ, और मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। तो अपना काम इसका भी हो गया है। अब मैं आपको इस साउंड को प्ले करके बताता हूँ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video, and this is mic testing 1 2 3 1 2 3। तो आपको ना एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस नजर आया होगा वॉइस के अंदर, ये किस तरीके से मेरा बेस बढ़ गया है और जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो गई है वॉइस की। तो इस तरीके से ना आप लोग अपने साउंड को रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हो, और मतलब आपको दूसरा कोई प्रोफेशनल माइक की जरूरत नहीं, आप अपने फोन के माइक्रोफोन से ये सारी चीजें कर सकते हो। तो वैसे देख लिया, यही सारी सेटिंग्स आपको करनी है, और इन सेटिंग्स को ध्यान से अप्लाई करना जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, और आपकी जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी निकल के आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सीन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।